नमस्कार, साम टीवी प्रेजेंट्स आईपीएल स्पेशल क्रिकेट प्रेडिक्टर पावर्ड बाय वन एक्स बैट में आप सभी का स्वागत है। आज का मैच होने जा रहा है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में, जहां सनराइज हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु एक दूसरे के आमने सामने होंगे। कल का मैच काफी इंटरेस्टिंग रहा, जहां पर दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटन्स के बीच में मैच था और दिल्ली कैपिटल्स जीती 4 रन से। आज इस पर डिस्कशन करने के लिए, हमारे मैच को समझने के लिए हमारे बीच यहाँ पर दोनों एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, जिनका मैं स्वागत करना चाहती हूँ स्टूडियो में। सुनील यश कालरा, फाउंडर ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स फैन, और साथ ही नॉयल डेविड, फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर इंडिया। आप दोनों का स्वागत है आज। थैंक यू। कल का मैच काफी इंटरेस्टिंग रहा, हम लोगों ने नेक टू नेक यहाँ पर फाइट देखी दोनों के बीच में। तो कल के मैच से शुरुआत करते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं, जिससे हैप्पी हैप्पी शुरुआत करें एंड देन हम लोग डिस्कशन शुरू करें। तो कल के मैच पे क्या कहना चाहते हैं नॉयल, आप कैसा लगा आपको कल का मैच, और ऋषभ पंत की जो वापसी हुई है, खतरनाक वापसी, वो आपको कैसी लगी? हाँ बिल्कुल, यू नो क्वाइट इंटरेस्टिंग था मैच में, जैसा अपन प्रेडिक्ट किए कि यू नो ये मैच काफी वायर तक जाएगा, एंड इट हैज गॉन टू द वायर। यू नो लास्ट बॉल दे नीडेड, यू नो, and Delhi won by 4 runs. It's quite interesting, but I'm happy for Rishabh Pant. You know, he's getting back, he's got back into form, he's making his way into the World Cup, you know, with his brilliant 88, he's making it more stronger and stronger for the selectors to think, you know. There are four wicket keepers fighting for 2 spots, you know, KL Rahul and Dinesh Karthik, Ishan Kishan, and Rishabh himself. So I think Rishabh is making his place more strong and stronger by getting a lot of runs, and that's a good sign for him. We all love Rishabh because for what he has produced himself as the greatest, I will not say greatest, but in making to be a legend, you know, as a wicketkeeper batsman, the way he has brought himself after this accident, he's made a great comeback. I feel yesterday's match was quite interesting. You know, but I feel, you know, the bowlers of Delhi Capitals are not up to the standards. You know, they were always being let down at the last get overs. I feel that they should be more stronger in bowling Yorkers, especially Mukesh should, you know, he's played test cricket. He should learn to, you know, bowl more depth Yorkers, especially at this stage when they know the runs are needed. You know, Rashid Khan, you know, player like Rashid Khan's getting runs against him, it's not good. Well, Sunil ji, your prediction got perfectly right yesterday. Well, देखिए, दिल्ली ने हमको इतने सालों से उदास किया। Thankfully, मैंने वो मैच देखा स्टेडियम में, और all I can say is, जो वहाँ पे फैंस आए थे उसके साथ देखते थे, वो काफी उस पे लगे हुए थे, काफी उत्साहित थे कि कुछ अच्छा काम हो रहा है। उनको ये भी लग रहा था कि दिल्ली वाले कुछ ना कुछ कर जाएंगे। और जब ऋषभ पंत उतरता है पिच में, लोल ने एक चीज बहुत अच्छी कही है कि इंजरी के बाद, लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी के बाद कमबैक करना, आप क्लब में कमबैक कर लेंगे वो बड़ी बात होती है, आप सोसाइटी में खेल लोगे वो बड़ी बात होती है, पर यहाँ पे ये आईपीएल में आ रहा है, इसका मतलब है ये लड़का बहुत गिफ्टेड है। वो मंजर इतना अलग ही था व्हेन यू सॉ ऋषभ पंत एक्चुअली वॉकिंग इनसाइड, उनको बहुत अच्छा लगा, फैंस को बहुत अच्छा लगा, और जिस तरह से उसने बैटिंग की है बोथ साइड्स ऑफ द पिच, उसके जो बल्ला चलता है वो गाबा की याद दिलाता है बात। एंड नोल ने एक अच्छी बात और कही है कि बॉलर्स हताश लगते हैं, मतलब हमने भी थोड़ी मोड़ी क्लब लेवल की क्रिकेट खेली है, पर मैंने कभी इतना बेगैरत होते हुए बॉलर्स को कभी नहीं देखा, जिस तरह से वो बॉल सिर्फ They are hoping that it doesn't go for 6. इसका मतलब है कि वो विकेट लेने के लिए या टेररिज करने के लिए नहीं आते, वो ये सोचते हैं कि भाई छक्का ना पड़े, बाकी सब राइट। आज के मैच पर चर्चा शुरू करते हैं, कल का मैच हमने देख लिया, अब जो आज का मैच है वो होने जा रहा है राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में। कैपेसिटी उसकी 55,000 है, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टेडियम, जहां पर एक प्रॉब्लम आपको क्या लगता है कि टेम्परेचर वाइज क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है स्पोर्ट्स पर्सन को, क्योंकि आज का जो प्रेडिक्शन है वो 40 डिग्री टेम्परेचर देखा गया है, तो आपको क्या लगता है कि इसका असर क्या पड़ेगा हमारे प्लेयर्स पे, या किस तरीके के चैलेंजेस उन्हें आ सकते हैं आज फील्ड पे? नोल आप ही बताइए, आप वहीं के हैं। बिल्कुल, चैलेंजेस तो बहुत आएंगे बिकॉज यू नो ह्यूमिड बहुत है,
हीट वेव इज ऑन इन हैदराबाद, काफी गर्म है, हवा भी जो आता है वो भी गर्म है, यू नो भाप जो मारता है, द ब्रीज विच कम्स टू योर फेस, इट्स रियली रियली हॉट. कल जो था एट 11 बजे ही 41 डिग्रीज था, तो आप सुन सकते हैं कि हाउ इट इज गोइंग टू बी फॉर द प्लेस एज इट गोज बाय यू नो मैच में. तो आई फील दैट यू नो द हीट इज गोइंग टू टेक अ टोल ऑन दिस प्लेस बिकॉज वी हैव अ not a open stadium, it's a bit of close, there's no strong wind coming during the evening because I'm sitting right outside near my balcony, I still feel that heat coming inside, there's no breeze at this part of the time or during the at 6 o'clock, so I feel that this heat wave is going to take a toll on these cricketers, but they are used to it, they are professionals, they have to get used to it. SRH has been practicing एक तीन चार दिन से वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इधर, सो आई थिंक वो लोगों को आदत पड़ गया, बट आई फील आरसीबी के लिए थोड़ा दिक्कत होगी बिकॉज दे हैव टू गेट यूज्ड टू दिस ड्राई हीट, इट इज नॉट दैट दिस थिंग, इट इज अ ड्राई हीट इन हैदराबाद. देखिए नोल ने बहुत अच्छी बात कही है, आरसीबी को तकलीफ होगी, बट मेरा सवाल नोल से है, नोल आरसीबी को 16 साल से दिक्कत हो रही है, जैसे हम दिल्ली वालों को दिल्ली कैपिटल से दिक्कत हो रही है, यू नो उनकी परफॉर्मेंस बड़ी लैकलस्टर रह रही है और इतना तबाही मचाते हैं वो जब फील्ड पे आते हैं. अब देखिए विराट कोहली अभी भी लीड कर रहा है, देखिए दो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें. पॉइंट नंबर वन, आरसीबी इज द वर्स्ट टीम इन आईपीएल एंड विराट कोहली उस फ्रॉम आरसीबी इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ आईपीएल. आप समझिए बात कितनी बड़ी है ये, और वो आज से नहीं है, पहले मैच से लेके आज 40वां मैच हो गया. नोल आप देख रहे हैं द काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी ही शोन, दैट मींस के वो 58% ऑफ द रन ही स्कोरिंग फॉर द टीम. और जब ये मंजर होता है कि आप 58% अगर आप खुद पावर प्ले दो सेशंस में खेलते हैं, दिस इज योर पावर प्ले एंड द 7-6-14, तब इसका बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि आपके पास पूरा सपोर्ट नहीं है. देखिए आपके पास फाफ डुप्लेसिस है, वो कभी डिसाइड करता है कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, फिर वापस आ जाता है, कभी दूसरी टीम में होता है, उसके बाद आपके पास मैक्सवेल आता है, उसके बाद आपके पास जो बेस्ट स्पिनर है अभी आईपीएल के अंदर यजवेंद्र चहल, उसको आप जाने देते हैं. तो मामला काफी गंभीर है. वो सिर्फ यही करते हैं कि एक बढ़िया सा कोच ले आते हैं. पहले इनका कोच था, वो कभी जब कोचिंग हट जाती है तो वो टेलीविजन पे आ जाता है, फिर वो अपने एक्सपर्ट्स कमेंट देता है, जब वहां से छूट जाता है तो कहीं अखबारों के लिए और वेबसाइट्स के लिए बात करने लगता है. तो ये जो फिनोमेना है ऑफ द कोचेस, ये जो फिनोमेना है ऑफ द कोचेस, ये थोड़ा डिफिकल्ट है कि आप अच्छे कमेंटेटर हो तो अच्छे कोच भी होंगे, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है. तो ये आरसीबी उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगत रही है. यस कोच, तो जब आरसीबी की बात हो ही रही है तो आरसीबी की गेंदबाजी से काफी निराशा हुई अभी तक. Sorry, Noel. You can continue. I'm so sorry, Noel. Please. Nay, don't you think Sunil is missing AB here? Because when AB was there, I think inki partnership kafi achhi chalti thi. You know, they were very strong in their batting lineup that time. Jab AB tha, because the AB ka jo magic hai batting mein, you know, 360 degrees of batting he used to do, and he always supported Virat. You know, I think that's the missing link for RCB. देखिए ये बड़ा बड़ा मिसिंग लिंक आप जो कह रहे हैं वो रहेगा नोल. टाइम्स विल चेंज, पीपल विल गो ओल्ड, फ्रेंचाइजी विल लेट गो ऑफ देम, इट्स द ओनली सर्टेन थिंग. आई मीन लुक एट सचिन तेंदुलकर, इवन ही इज नाउ एट द डगआउट इन अ डिफरेंट कैपेसिटी, सौरव गांगुली इन अ डिफरेंट कैपेसिटी. सो आई थिंक इट्स फेट अकम्प्लाई दैट यू विल बी मिस्ड, पीपल विल रिटायर, टैक्सेस विल ग्रो एंड यू विल गेट मोर स्टेडियम्स इन आईपीएल, दैट्स विल always happen. But is there a succession planning? Do you have to think of succession planning? Ki ek player jayega, dusre ka kya handholding kaun kar raha hai, usko onboarding kaun kar raha hai, spotting kaun kar raha hai. Main to kehta hu inko yahi nahi pata ki ye agle saal rehna hai ki nahi coaches ko, isliye wo aate hain achhi si shandar diary nikalte hain, kuch likhne ki koshish karte hain aur wo panne bahut badi mystery hai, agar wo uske upar camera hona chahiye mujhe lagta hai. क्या बोलते हो नोल? नहीं, but that missing link can be filled अगर ये लोग एबी को अगर batting coach या mentor, you know, if we can bring him as
you know, support staff, I think that that will be a great help to this RCB team in the batting department, because sabko pata hai ki how he plays AB. I think his display can his inputs and his work ethics can be a plus point for RCB. देखिए आज हम एक लास्ट पॉइंट है दामिनी, आज हम एबी के लिए बोल रहे हैं, कल हो सकता है हम धोनी के लिए बोले फॉर चेन्नई सुपर किंग्स, पर चेन्नई ने एक बहुत अच्छा काम किया। आप जो बात बोल रहे हैं आई विल एंडोर्स इट बाय सेइंग उन्होंने अपने साथ स्टीफन फ्लेमिंग को रखा जो बहुत अच्छे से थे, उनका जो जो कोर ऑफ सपोर्ट स्टाफ है वो हैज ऑलवेज बीन द सेम। सो आई थिंक आई क्वाइट वैलिडेट व्हाट नोल इज सेइंग इन हिज ऑब्जर्वेशन, and when I look at the stats it comes out loud and clear. Go on. एक और प्लेयर की तरफ मैं आपको ले जाना चाहूंगी, जहां हम लोगों ने नीलामी पे देखा कि काफी अन्य महंगी खरीदारी विफल रही है, वहीं पैट क्यूमिंस इस बार काफी फेवरेट रहे हैं हमारे खरीदारों के लिए, फल फूल रहे हैं, उनकी सफलता के पीछे आपको क्या लगता है, क्या राज है इसमें छुपा हुआ? आई थिंक इट इज अ ग्रेट बाय बाय सनराइजर्स, बिकॉज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर अ गुड कैप्टन, क्योंकि सनराइजर्स को आफ्टर केन विलियमसन या डेविड वॉर्नर के बाद कोई अच्छा कप्तान नहीं मिला है, तो आई थिंक पैट कमिंस हैज फिल्ड दैट शूज, और इसलिए दे वेंट आउटराइट यू नो टू बाय पैट कमिंस बिकॉज फ्रेश थे आफ्टर द वर्ल्ड कप विक्ट्री यू नो ऑस्ट्रेलिया का। सो आई थिंक दे हैड देयर वर्क एथिक्स वर्क थिंग प्रॉपरली लेड ड्यूरिंग द ऑक्शन। I think it's a great buy, even it's costly, but it is a great buy. He's doing a great job. You know, he's got the boys together. A mentor ka aisa khel raha hai, not as a captain, but as a mentor in, on the field. You know, aap dekh sakte hain ki, you know, he has a smile all the time on the field, whether the bowler's being hit or whether the batsmen's are being, you know, not or this thing. He is being laughing, you know, that's the laugh which is encouraging this youngster. And the most important thing is he has a great coach who's supporting him, Vittori. So that combination kafi acha hai inka, Vittori aur Cummins ka, aur ye fayda ye players utha rahe hain, and that's why the expressions, the you know, it looks very great in all the boys. They have been given free hand, and that's why they are performing to their standards. मैं क्वाइट एंडोर्स करता हूँ जो नॉल ने बोला है। देखिए मैं इनको ऐसे T20 से देखता आ रहा हूँ, यही वो उनका फोकस रहा है कि छोटे प्लेयर्स लाएं, बड़ा धमाके वाले जिनके पास पोटेंशियल है, नॉट जस्ट द पोजिशन। देखिए डिफरेंस है बिटवीन पोजिशन एंड पोटेंशियल। पोजिशन इज समथिंग जो आप ग्लेन मैक्सवेल इज काइंड ऑफ एंजॉय अ सर्टेन पोजिशन, यार बड़ा प्लेयर है, बड़े दाम लेता है, डबल 100 कर देता है ODI में, इसके अंदर उसके नंबर ऑफ स्ट्राइक रेट 150 के ऊपर है, वो आपकी पोजीशन ऑलरेडी है, उसको आप पैसा देके रिटेन करते हो। जो प्रॉमिस वाले प्लेयर्स हैं, क्लासन, मराकराम, पैट कमिंस, ये वो बंदे हैं जो आके प्रॉमिस है तो डिलीवर करते हैं, एंड दैट इज बीन द केस। इफ यू गॉट प्लेयर्स लाइक दैट तो आपकी टीम ने नई एनर्जी से आती है, नई चीजों से आती है। अब मुंबई इंडियंस का देखिए, देखिए कितना बड़ा प्रॉमिस हार्दिक पांड्या को दिखा के लाए थे कि पोजीशन है उसकी, उसको सॉरी एक बहुत बड़ा पोजीशन लेके लाए थे, बड़ा प्लेयर, कप्तान, ODI का, फ्यूचर का, बट वो कहाँ परफॉर्म कर रहा है। आई थिंक IPL शुड शेक देयर, ये बड़ा लेजीनेस है इन दी ऑक्शन, जहाँ पे वो बोलते हैं कि भाई बड़ा प्लेयर है, बड़ा नाम है, बड़ा पैसा मिलना चाहिए। मैं इसको उल्टा कहता हूँ, जिसका बड़ा प्रॉमिस है, देखिए ये 20 साल का जो प्लेयर लेके आए हैं, जो ओपनर ऑस्ट्रेलियन रिकी पॉन्डिंग, बड़ा खुश है उससे, बट वो प्रॉमिस से आए, और ऐसे ही आपको प्लेयर्स चाहिए। IPL का बस मूल मंत्र यही है कि आप प्रॉमिस अच्छा है, स्ट्रॉन्ग प्लेयर, स्ट्रॉन्ग प्लेयर, प्रॉमिस कि फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ स्टाइल, फुल ऑफ स्फूर्ति के साथ। यस, एक और प्रॉमिसिंग प्लेयर है हमारी टीम में सनराइज की, जो है ट्रैविस हेड, उन्हें कैसे भूल सकते हैं, लेफ्ट हैंडेड बैटर जिन्होंने कई बार हमें आश्चर्यचकित करा है अपने गेम से, उनके फॉर्म पे क्या विचार है, इस बार आज हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, उनका मैच कैसा रहेगा आज का? देखिए ट्रैविस हेड का नाम लेते सब बॉलर्स और सब टीम्स थोड़ी घबराती है, बिकॉज
अगर आप वर्ल्ड कप में देखे सिंगल हैंडेडली जीता है, अगर ये दो इनिंग देखी है तो सिंगल हैंडेडली सनराइजर्स को जीता है, तो आई थिंक इज मोर आई थिंक थोड़ी बहुत डेविड वॉर्नर दिखते हैं बट इज मोर ऑफ अटैकिंग बैट्समैन. यू नो आई फील दैट सच बैट्समैन शुड बी देयर यू नो इन सच टीम स्पेशली यू नो ग्रेट बून टू ऑस्ट्रेलिया एंड वन मोर प्लेयर लाइक फ्रेजर यू नो same lines he bats in. I think Trevor Sedge is a plus point to Sunrisers after once he has been bought, and that is also a good purchase actually, you know, good purchase for Sunrisers. He's proving it that you know and he's delivering it for Sunrisers. What I feel of Trevor Sedge is that he has no fear, you know, fearless batsman. He you know he has nothing to lose, you know, if he gets out there are batsmen behind it. So the free hand is given to him, just go after the bowling. You know, Abhishek Sharma and Trevor Sedge partnership is developing into a like Rohit Sharma and Ishan Kishan. So I think these two pair, both of them are going great guns for Sunrisers. That's the plus point where other batsmen are taking the advantage when they put up the score. देखिए बहुत अच्छा नाम आपने लिया दामिनी, पता नहीं कहाँ से रिसर्च करके लाते हो आप. कोई कहेगा नहीं कि आप नॉन कमेंटेटर हो क्रिकेट की. आपने एक नाम पे हाथ रखा, वो नाम ने हिंदुस्तान को इतना तंग किया. नोल डेविड वुड अग्री कि WTC मैं देखने गया था, लंदन में था, वहां पे हम प्रेस बॉक्स में देख रहे थे जिस तरह से इसने टेस्ट में हमारी धुड़की लगाई, मतलब वो अलग ही लेवल का प्लेयर है. उसके बाद जब वर्ल्ड कप फाइनल में आया तो उसने हमको चाबुक मार मार के ठीक कर दिया. अब जब T20 में आया, अब देखिए वर्सिटैलिटी ऑफ अ प्लेयर इज नोन इन ऑल थ्री फॉर्मेट्स. आई मीन कल कोई KL राहुल की बात कर रहा था, इट्स ओनली एट द एंड ऑफ द डे इट्स गेम ऑफ क्रिकेट, वी आर ओनली डिस्कसिंग क्रिकेट एंड प्लेइंग क्रिकेट, फॉरगेट द फॉर्मेट. सो कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं ऐसी टीम में जो तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं, और ट्रेविस हेड उसमें से एक है जिसने हिंदुस्तान की नाक में दम कर रखा है और हिंदुस्तान के बॉलर्स को बड़ा पीटा है. तो वो थोक में रन बनाते हैं और इंडियन बॉलर्स को 67-72% ऑफ उसके जो स्कोर्स हुए हैं वो इंडियन के टॉप बॉलर्स में हुए हैं जिनको हम अटैकिंग बॉलर करते हैं. सो या जसप्रीत बुमराह इज ओनली एक्सेप्शन, जैसा वीवीएस लक्ष्मण ऑस्ट्रेलिया की दम करते थे वैसा ट्रेवर सेड इंडिया को दम कर रहा है. ये बात ही इज द मैन हु सेज लेट द गेम स्पीक. सो अपने गेम से ही बताते रहते हैं कि मैं क्या हूं. आपने देखा है आजकल ये कुछ टाइम पहले ऐसा नोल वुड एग्री ऐसा ट्रेंड जम गया था कि वो बैटिंग कम और बॉलिंग कम करते थे और सोशल मीडिया पे ज्यादा अपने डांस मूव्स और अपने स्टाइल मूव्स करते थे. आई थिंक हमें कुछ सीखना भी चाहिए. देखिए ग्लेन मैक्सवेल नहीं चला और प्लेयर्स नहीं चले, ऑस्ट्रेलिया की हजारों खामियां होंगी उनमें, बट एक खामी अच्छा है जब वो खेलने जाते हैं एज एलीट प्लेयर्स दे बिहेव परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल. राइट, दोनों ग्लेन भी, ग्लेन की जब बात चली है दोनों ग्लेन आज आमने सामने होने वाले, फिलिप्स भी और मैक्सवेल भी, तो गेम काफी इंटरेस्टिंग रहेगा. उसके अलावा एक सवाल, आखिरी सवाल के साथ मैं यहाँ पर आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि SRH कैसा आपको क्या लगता है इस पूरे सीजन में क्या उन्हें सफल बना रहा है? उनके पास टीम बहुत स्ट्रांग है, अच्छे प्लेयर्स हैं, उसके अलावा ऐसा कौन सा पॉइंट है जो उन्हें इतना सफल बना रहा है इस पूरे सीजन में? आई थिंक यू नो ओवरऑल इफ यू इफ आई से इट इज द यूनिट, उनकी यूनिट जो है दे हैव नो बिग नेम्स एज सुनील सेड, इट इज द नेम्स व्हिच हैव बीन देयर फॉर 2-3 years, मकरम, कार्लसन, ओनली पैट कमिंस केम इन दिस ईयर, यू सी अभिषेक शर्मा इज देयर पास्ट 3 years, यू नो, सो इट इज द सेम यूनिट व्हिच हैज बीन देयर व्हिच इज हेल्पिंग सनराइजर्स टू डेवलप एज अ बेटर साइड every year, and I think this year with Pat coming in into the side has given that plus point and a moral boost because he has led from the front Cummins, and I think Makram playing, you know, that role of, you know, middle order batsman, Carlson playing that wicketkeeper batsman, Abhishek Sharma playing that dynamic knock as a opener, I think all this, only these four batsmen. And then if you come to the bowlers, whatever limited resources they have, they are utilizing it in a proper way. They have their strategy, they have their plan,
मैच टू मैच दे प्लान इट इज नॉट दैट यू प्लान फॉर दिस मैच एंड देन यू प्लान फॉर द नेक्स्ट मैच बट दे आर प्लानिंग मैच टू मैच एंड आई फील दैट पैट कमिंस इज अ बोल्ड कैप्टन हिज स्टेटमेंट्स आर वेरी बोल्ड विच रिफ्लेक्ट्स and gives that confidence to the team that if the captain can be like that, why not us? I hope Sunil agrees with me. Well, बहुत बहुत valid point बोला था Pat Cummins से हम काफी दिल से नफरत करते थे 6 महीने पहले जिस तरह से उसने एक ही मैच हराया हिंदुस्तान को और वर्ल्ड कप ले गया इंडिया के नरेंद्र मोदी से कोई प्रॉब्लम नहीं बट जब वो यहाँ पे कप्तान बन के आया इसका लेवल सुर ताल और यू नो इट्स साउंडिंग लाइक अ सिम्फनी And not just noise. Everything is falling together. Every player has a plan. They know exactly what is expected out of them. They go, they deliver, and they get out. They go, deliver, get out. That's what it is supposed to be. Exactly. Point number two. मेरे को तीन teams ने बहुत impress किया. अगर उसमें से एक SRH है, बाकी दो हैं Gujarat Titans and Rajasthan Royals. Not because they are on the top of it. अब देखिए उनकी एक pattern निकल के आता है. They will go low on buying. एंड दे विल ऑल्सो इंश्योर कि उनके पास कोई बड़ा ब्लॉकबस्टर नाम नहीं है आप देखिए SRH में भी कोई बड़ा ब्लॉकबस्टर नहीं है उन्होंने टीम बनाई है उसी के अराउंड उनकी स्ट्रैटेजी बनी है यू नो इंडियन प्लेयर्स थोड़ी सी स्ट्रैटेजी कुछ साउथ अफ्रीकन बिग हिटर्स उसके अराउंड स्ट्रैटेजी बाहर का ऑस्ट्रेलियन कप्तान है उसके इर्द गिर्द स्ट्रैटेजी है बिग टीम्स लाइक मुंबई दिल्ली एंड बेंगलुरु आई हैव फेल्ड टू डू दैट एंड इट्स टाइम दे कैच अप विद देम एंड फॉलो द सेम टेम्पलेट so that they get out of this I told you so mentality and saying that मैं बताता हूँ आपको that kind of mentality yes no इसी के साथ यहीं पर मैं आज के एपिसोड को एंड करना चाहूंगी और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए सुनील जी बहुत बहुत शुक्रिया नॉयल थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस होल डिस्कशन देखते हैं आज का मैच कौन जीतने वाला है सनराइज या रॉयल चैलेंजर्स और इंतजार करते हैं थैंक यू अगेन थैंक यू वेरी मच थैंक यू